नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नरेश कौशल एक बार फिर लेकर आया हूं आज की ताज़ा खबरें दैनिक अर्थ प्रकाश ग्रुप की ओर से। आज के समाचार पत्रों में कोरोना से संबंधित खबरें, कश्मीर से, चाइना से संबंधित समाचार हैं, लेकिन सबसे बढ़कर जो दुखदायक बात हम कह सकते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बात कह सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स के अंदर शराब को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है। अगर इसको एक पंक्ति में मैं इस पर टिप्पणी करूं तो ये कहा जाएगा कि पंजाब और हरियाणा, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SYL का मसला, संपर्क नहर का मसला मिलजुल कर बैठकर निपटाओ ताकि खेतों में सब जगह बराबर पानी मिल सके, किसान को फ़ायदा मिल सके, लोगों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन हालत यह है कि शराब ने पंजाब और हरियाणा के होश उड़ा रखे। इतना ही नहीं, दोनों राज्यों के भीतर जो सरकार, जो पार्टियां सत्ता में हैं, उन पार्टियों के सत्ताधारी नेता ही दोनों राज्यों में, यह संयोग की बात है कि आपस में उलझे हुए हैं। इसको लेकर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले एक नजर सभी समाचार पत्रों पर। पहले अर्थ प्रकाश को लेते हैं। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है नई शिक्षा नीति से रखी जाएगी नए भारत की नींव। और इसके अलावा जालंधर में हादसा, पुदीना फैक्ट्री में जहरीली गैस से दो सगे भाइयों की मौत। अमर उजाला की बात करते हैं, 35 फुट गहरी खाई में गिरकर दो हिस्सों में बटा विमान, ये केरल का समाचार है जो कि बाहर से वंदे भारत के जो नाम से बाहर से यात्री लाए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा, वो केरल में उतरना था और टकरा कर जमीन पे लैंड क्रैश हो गया। इसके अलावा रिया से ED की 8.5 घंटे पूछताछ, ये सुशांत की प्रेमिका रही है, उस मामले में उससे पूछताछ की जा रही है। दैनिक ट्रिब्यून की बात करते हैं। दैनिक ट्रिब्यून में वैक्सीन बनाने वाला पहला देश होगा रूस, और सुशांत मामले में ईडी ने जो रिया को बुलाया उसके बाद उससे पूछताछ हो रही है, इस बात को भी महत्वपूर्ण ढंग से दिया गया है। भारत की यात्रा पर ना जाएं अमेरिका के लोग, ये वाशिंगटन से जारी हुई है एडवाइजरी। इसके अलावा जागरण लेते हैं। जागरण में भी केरल में विमान का दुर्घटना का समाचार मुख्य रूप से है, और मोदी जी ने इसमें कहा है भेड़ चाल से सबको मुक्त करेगी शिक्षा नीति। और पंजाब केसरी की बात करते हैं। पंजाब केसरी में जो शराब कांड की बात मैंने अभी बताई, पंजाब उसमें बाजवा बोले पार्टी को बचाना है तो अमरिंदर जाखड़ को हटाना होगा। आज समाज में प्लेन क्रैश की खबर, 191 यात्री सवार थे, दो पायलट समेत 17 की मौत। और इसी तरह से जागरण में पीड़ित परिवारों को 5 लाख और पक्का मकान दिया जाएगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री ने शराब कांड के ऊपर कहा। तो अब हम चलते हैं जो हमने विषय पहले डिस्कस किया था। इसे संयोग ही कहा जा सकता है कि आज दो पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब पर शराब के नशे के ऐसे बादल छाए हुए हैं जिससे दोनों सरकारें आलोचना और आरोपों में मानो झूल रही हैं। पंजाब में माझा क्षेत्र के 3 जिलों में जहरीली शराब पीने से अब तक 121 लोगों की जो है मौत हो चुकी, और राजनीतिक सामाजिक गलियारों में हाहाकार मचा हुआ है। नौबत यहां तक पहुंची है कि कांग्रेस के ही 2 राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह दुल्लो और प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने ही अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, दोनों सांसदों दोनों ने राज्यपाल तक गुहार लगाई है कि इस मामले की जांच जो है वो CBI से कराई जानी चाहिए। उधर
ये पंजाब का मसला, फिर बाद में पंजाब की बात दोबारा करेंगे। हरियाणा के लीजिए, हरियाणा में सोनीपत के निकटवर्ती खरखौदा के एक गोदाम में लॉकडाउन के दौरान शराब की सैकड़ों पेटियां कथित रूप में कह सकते हैं खुर्द-बुर्द हो गई। इस घोटाले की जांच हाल में SCT द्वारा की गई, जिसकी रिपोर्ट ऐसी घुमावदार है कि घपले की ओर इशारा तो किया गया है मगर किसी को सीधे तौर पे दोषी नहीं ठहराया गया। दरअसल लॉकडाउन के दौरान इस गोदाम से शराब उस वक्त निकली जबकि ठेके बंद थे, नई आबकारी नीति का इंतजार था। ऐसा आरोप है कि घोटाले का शोर पड़ने पर आरोपियों ने आनन फानन में ऑनलाइन पेमेंट करके मामले को जो है खाता बही जो है अपना वो सही कर लिया। इस मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच जोरदार टसल और कश्मकश चल रही है। हजारों पन्नों की SCT रिपोर्ट में जिन दो अफसरों पर लापरवाही की उंगली उठाई गई थी, विज ने उन दोनों यानी कि एक IAS और एक IPS अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। उन्होंने यह भी कहा है कि अब उन्हें इंतजार है कि उसे उनकी रिपोर्ट पर क्या फैसला होता है। उधर उप मुख्यमंत्री जो जननायक जनता पार्टी के प्रमुख भी हैं और आबकारी मंत्रालय भी उनके पास है, उन्होंने जो कहा है कि जांच जो है वो करवा ली गई है और ये जांच पे जो है एक निशान या जो सवाल या निशान जो है वो लगता है, उनका ये कहना है। तो इसको हम उनके ही शब्दों में अब आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। पहले हम लेते हैं कि दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री के बीच में जो सीधे तौर पे एक दूसरे पे छींटा किसी के सवाल हैं या जवाब हैं वो किस तरह हैं। गृह मंत्री का कहना है लॉकडाउन में भी शराब के ठेके खुले रहे, ETC विद्यार्थी यानी कि जो IAS ऑफिसर हैं ने इन्हें बंद करने के लिखित आदेश जारी नहीं किए। अब उत्तर सुनिए DC, मैंने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर 26 मार्च की शाम सभी जिलों में ठेके बंद करने के आदेश दिए। 27 मार्च की सुबह 11 बजे सभी जिलों से इसे लागू किए जाने की रिपोर्ट भी आ गई थी। विभाग के शीर्ष अधिकारी विद्यार्थी ने इस विषय में अच्छा काम किया है, जिसको भी जो दोषी ठहरा रहे हैं, दुष्यंत जी कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है। ऐसे में SCT द्वारा विद्यार्थी के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा करना समझ से बाहर है। एक उप मुख्यमंत्री कह रहा है उन्हीं की सरकार ने जो SCT बैठाई है कि उसमें जो गृह मंत्री ने यह सिफारिश की है कि उस पर कार्रवाई हो एक IAS ऑफिसर के खिलाफ, दूसरा मंत्री कह रहा है कि उसको इस पर बड़ा एतराज है। अब गृहमंत्री आगे क्या कहते हैं, ETC विद्यार्थी ने SCT की डिस्टिलरी निरीक्षण के लिए पहले तारीख तय की, जाने से पहले पॉलिसी का हवाला देकर रोक दिया। SCT में लिखा है कि ऐसा लगता है कि उसे जानबूझकर जाने से रोका गया। और DC का जवाब सुन लीजिए, पंजाब एक्साइज टैक्सेशन में स्पष्ट है कि थर्ड पार्टी की किसी भी डिस्टिलरी में एंट्री नहीं हो सकती। यदि SCT को विजिट करना ही था तो उसे सरकार से लिखित में मंजूरी लेनी चाहिए थी। SCT ने इस तरह की प्रक्रिया भी नहीं अपनाई है। ये हालत है, ऐसा लगता है कि उप मुख्यमंत्री नहीं कोई विपक्ष का नेता बोल रहा है। और दुष्यंत ने यहां भी कहा और भी कहा है कि पॉलिसी में शराब वाहनों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का प्रावधान है, इसकी टेंडर प्रक्रिया जारी है। CCTV कैमरों को लेकर एक्साइज विभाग में पिछले कई वर्ष से SOP लागू है। CCTV कैमरे डिस्टिलरी से लेकर ठेकों तक के लिए अनिवार्य हैं। डिस्टिलरी में इलेक्ट्रॉनिक टेम्पर प्रूफ फ्लो मीटर लगाना भी पॉलिसी में है।
अधिकारियों के ट्रेनिंग पर उन्होंने ये कहा कि एक्साइज में जब भी इंस्पेक्टर या अफसरों की नियुक्ति होती है तो ज्वाइनिंग से पहले ही 9 माह की ट्रेनिंग जरूरी है। तो खोदा पहाड़ एक हमने अपने कार्यक्रम में पहले उसका शीर्षक था, खोदा गोदाम निकला पौआ। तो ये हाल सरकारों में मंत्रियों के आपस में जो है टसलबाजी का चल रहा है। यही नहीं, दुष्यंत का यह भी कहना है कि ड्राइवर से आगे क्यों नहीं बढ़ पाती है पुलिस की जांच, इस मामले में भी गहन और बढ़िया तरीके से की जा सकती थी जांच। अब क्योंकि पुलिस महकमा जो है गृह मंत्री अनिल विज के अंडर आता है तो ये दुष्यंत चौटाला जी ने ये कह दिया है। अब तो गृह मंत्री अनिल विज ने यह भी कहा है कि उन्हें अब एक्शन की इंतजार है जो उन्होंने सिफारिश की है जिन दो अफसरों के खिलाफ, और SCT ने उन्होंने कहा है कि अपना काम पूरा जिम्मेदारी से किया। और उप मुख्यमंत्री, जैसे मैंने पहले भी कहा, उन्होंने कहा कि SCT की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं वे सभी बिंदु इस साल के लिए लागू की गई आबकारी नीति से पहले से ही शामिल किए जा चुके हैं और दिसंबर तक लागू कर दिए जाएंगे, यानी कि गोलमोल बात सारी। तो इस तरह से जो हमारे देश में जो हम लोग हैं, जो इनकम टैक्स देने वाले हैं, जो आबकारी ड्यूटीज देते हैं, तो ये उनकी ये देख उनको ये देखने को मिल रहा है ऐसा नाटक सरकार के मंत्रियों की ओर से। अब दोबारा पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब में जो है आलोचना से घिरे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 121 लोगों की मौत के बाद अब पीड़ित और जो प्रभावित परिवार है उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए वो तरन तारण के दौरे पर पहुंचे। कल उन्होंने कहा कि महज हादसा नहीं है बल्कि ये तो एक जानबूझकर किए गए कत्ल है। उन्होंने ये संज्ञा दी है जो नकली शराब पीने से लोग मरे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस कांड को लेकर जिन प्रभावशाली नेताओं पर आरोप लग रहे हैं उनकी ना केवल जांच होगी बल्कि उनकी संपत्ति भी जो है वो भी कुर्क की जाएगी, और ऐसे धंधेबाजों के खिलाफ हत्या के केस भी दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने मरने वाले परिवारों को, जिनके परिवारों का व्यक्ति देहांत हुआ उसका, उनको 5 लाख रुपए, जिनकी आंखें चली गई, आंखों का प्रकाश जला गया, ज्योति चली गई, उनको भी 5 लाख रुपया देने का फैसला किया। इसी बीच अब दोबारा से बता दें आपको कि प्रताप सिंह बाजवा सांसद, जो शुरू से 36 का आंकड़ा रखते हैं अमरिंदर सिंह के साथ, जब उन्होंने आलोचना की कैप्टन की, शमशेर सिंह दुल्लो ने आलोचना की, तो मैदान में आ गए सुनील जाखड़ जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान हैं। उन्होंने समय समय पर, हालांकि वो भी कैप्टन से कई मामलों में शायद अपनी राय अलग रखते होंगे, लेकिन इस मामले पर वो उसके पक्ष में, कैप्टन साहब के पक्ष में आ खड़े हुए, और उन्होंने प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ कार्रवाई की जो बात की, तो इसके बाद प्रताप सिंह बाजवा ने उल्टा प्रहार करते हुए ये कहा कि चलिए चलते हैं, देश की जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी उसके पास आप भी चलो, हम भी चलते हैं, यानी कि सुनील जाखड़ साहब भी चले, प्रताप सिंह बाजवा भी चले, देखते हैं कि सोनिया गांधी जो है वो किसको निकालती है। तो ये पोजीशन है दो राज्यों की, जो पहले संयुक्त रूप में पंजाब हुआ करता था और उसका नाम पंज आब जहां 5 दरिया बहते थे, आज वहां पे SYL का मसला तो पर्दे के पीछे है और शराब का नशा, शराब की नदियां, शराब के कांड जो हैं वही चर्चा में हैं। इसी को लेकर अपनी बात को यहीं समाप्त करने से पहले मैं, क्योंकि भोजन विषय हो गया था, थोड़ा हल्का फुल्का आपको करके फिर समाप्त करना चाहता हूं। अर्थ प्रकाश, जैसे कि आप जानते हैं कि हल्का फुल्का मुक्तक देता है टेंशन खलास एक पॉकेट कॉलम में पहले पृष्ठ पे। आपने कल खबरें पढ़ी होंगी कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा की बसों में
पूरी 52 सीटों पर यात्रियों को बिठाने की अनुमति दे दी है। यानी कि पहले सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कोरोना के महामारी से बचने के लिए एक एक सीट पे एक सवारी बिठाने की अनुमति थी। अब देखने वाली बात यह है कि कोरोना का प्रभाव तो संक्रमण तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार ने फैसला लिया है कि अब एक एक सीट पे एक नहीं पूरी बस भरकर जाएगी। इस पर एक करारा व्यंग्यमान किया है टेंशन खलास में, क्या है हरियाणा की बसों रोडवेज के बारे में उसकी क्या प्रशंसा की गई है। सीटा ठूस भरेंगी सारी, सीटा ठूस भरेंगी सारी, छत तक भी पहरेदारी, छत पे भी बैठती हैं सवारियां, सीटा ठूस भरेंगी सारी और छत पर भी पहरेदारी, कित फटके रोग बीमारी न्यारी रोडवेज की लारी। कित फटके रोग बीमारी, कैसे फैल जाएगी बीमारी जब पहरेदारी ऊपर हो रही है, सीटों पे कोई जगह ही नहीं है, तो कित फटके रोग बीमारी न्यारी रोडवेज की लारी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।